हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुर लता पुरी, लेक्चरर, गवर्नमेंट विमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर, BC 204 कॉस्मेटिक साइंस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। से पहले वाले लेक्चर में हमने वाटर के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है बाथ प्रिपरेशन। आज हम बाथ प्रिपरेशन के इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन एंड फंक्शंस। बाथ प्रिपरेशन, दोज प्रिपरेशंस विच आर यूज फॉर वॉशिंग और इमर्जिंग द बॉडी और बॉडी पार्ट्स इन वॉटर, स्टीम और एनी मीडियम फॉर पर्पज ऑफ क्लिंजिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर कॉल्ड बाथ प्रिपरेशंस। अर्थात बाथ प्रिपरेशन वे सामग्री हैं जिनका उपयोग नहाने के लिए शरीर या शरीर के किसी भाग को पानी, भाप या अन्य माध्यम में भिगोने के लिए या सफाई तथा औषधि उपचार के लिए किया जाता है, बाथ प्रिपरेशन कहलाती है। टाइप्स ऑफ बाथ प्रिपरेशन, बाथ प्रिपरेशन के प्रकार। मॉडर्न बाथ प्रिपरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में वे कॉस्मेटिक्स रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल नहाने के दौरान किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी में वे कॉस्मेटिक्स रखे गए हैं जिनका प्रयोग नहाने के बाद में किया जाता है। बाथ प्रिपरेशन में चार प्रिपरेशन को कंसिडर किया गया है। फर्स्ट है बबल बाथ, सेकेंड है बाथ सॉल्ट्स, थर्ड है बॉडी मसाज ऑयल और फोर्थ है बाथ ऑयल्स। यद्यपि नहाने के लिए साबुन का प्रयोग अधिक किया जाता है, मगर साबुन को बाथ प्रिपरेशंस में कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि साबुन को बनाने की तकनीक अन्य बाथ प्रिपरेशन से भिन्न है, इसलिए साबुन को इन प्रिपरेशन से अलग रखा गया है। बबल बाथ, बबल बाथ एक लग्जरी बाथ आइटम है। वह बाथ जो साबुन के झाग एवं खुशबू से भरा हुआ हो, बबल बाथ कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बबल बाथ। अब हम ये जानेंगे कि एक अच्छे बबल बाथ में क्या गुण होने चाहिए। फर्स्ट, जब इसकी मात्रा को पानी में मिलाया जाए तो कम मात्रा का प्रयोग करने पर भी यह पर्याप्त मात्रा में झाग पैदा करना चाहिए। सेकंड है, लंबे समय तक पानी में इसके झाग बने रहने चाहिए, चाहे पानी का तापमान कम या अधिक हो। थर्ड, यह आँखों के लिए नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, अर्थात आँखों पर और स्किन के ऊपर किसी प्रकार का कोई इरिटेशन इससे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यह बच्चों के लिए भी सेफ प्रिपरेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें शरीर को क्लीन करने के लिए पर्याप्त डिटर्जेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, पानी कठोर या मृदु होने पर भी झाग उत्पन्न होने चाहिए। रॉ मटेरियल्स, बबल बाथ बनाने के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स हैं फोम बिल्डर्स, फोम स्टेबलाइजर्स, थिकनिंग एजेंट्स और परफ्यूम। फर्स्ट है फोम बिल्डर्स। फोम बिल्डर्स फोम प्रोड्यूस करते हैं और क्लिंजिंग इफेक्ट देते हैं। इनके एग्जांपल हैं एल्काइल अराइल सल्फोनेट एंड एल्केनोल अमाइल ईथर सल्फेट। सेकंड इंग्रेडिएंट है फोम स्टेबलाइजर। फोम स्टेबलाइजर बबल बाथ में झाग को स्थायी बनाए रखने का कार्य करते हैं। पानी का टेम्परेचर कम हो या अधिक हो और पानी सॉफ्ट वाटर हो या हार्ड वाटर हो, इसमें ये झाग को स्थायी बनाए रखते हैं। इनके एग्जांपल हैं एल्केनोल अमाइड ऑफ कोकोनट फैटी एसिड एंड एल्केनोल अमाइड ऑफ लॉरिक एसिड। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है थिकनिंग एजेंट। जब बबल बाथ में एडिशनल विस्कोसिटी की आवश्यकता होती है तो इसमें थिकनिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं।
थिकनिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं गम मिथाइल सेल्यूलोस और कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। नेक्स्ट है परफ्यूम। परफ्यूम बबल बाथ में खुशबू देते हैं। फॉर्म्स ऑफ बबल बाथ। बबल बाथ कई रूप में पाया जाता है, जैसे पाउडर, ग्रेन्यूल्स, लिक्विड, कैप्सूल, टैबलेट, केक एंड जेल। कंपोजिशन ऑफ बबल बाथ। बबल बाथ का संगठन, आइए हम बबल बाथ का फॉर्मूला देखते हैं। सोडियम लॉरियल सल्फेट 25%, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट 7%, सोडियम कार्बोनेट 65%, परफ्यूम 3% और कलर QS। प्रोसीजर, इसको बनाने की विधि। सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट में परफ्यूम मिक्स किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट परफ्यूम को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब SLS सोडियम लॉरियल सल्फेट और सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को डिहाइड्रेट करते हैं। फिर इन तीनों पाउडर को मिलाकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब इनके ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए इस पाउडर को पानी में डिजॉल्व कर ट्रे में इसको जमा कर सूखने के लिए रख देते हैं। इस प्रकार हमें इनके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ बबल बाथ। बबल बाथ के कार्य, बबल बाथ के कार्य जानेंगे। फर्स्ट है क्लींस द बॉडी, सेकंड प्रोवाइड्स फ्रेशनेस, थर्ड गिव्स एस्थेटिक सेंस एंड फोर्थ मेक बाथ एरोमेटिक। पहला कार्य है इसका, बबल बाथ हमारे शरीर की सफाई करता है। सेकंड कार्य, हमारे शरीर को ताजगी प्रदान करता है और हमारे शरीर को सौंदर्य बोध करवाता है। बबल बाथ हमारे स्नान को खुशबूदार बनाता है और लग्जीरियस बनाता है। बबल बाथ लेते समय कुछ सावधानियां रखने की भी आवश्यकता होती है। बबल बाथ हमारे त्वचा को अच्छी तरह साफ करने में असक्षम होता है, अतः बबल बाथ के बाद साबुन का प्रयोग करना चाहिए। बबल बाथ के बाद इसके ड्राइंग इफेक्ट को कम करने के लिए स्किन के ऊपर मसाज ऑयल या मॉइस्चराइजर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बबल बाथ का प्रयोग जल्दी जल्दी और अधिक नहीं करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने बाथ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा और बबल बाथ के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाथ सॉल्ट, बॉडी मसाज ऑयल और बाथ ऑयल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।